वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ आयुषी तोमर और मैं जैसे कि मेरे ब्लॉग्स में कुछ लोग नए नए ऐड हो रहे हैं, सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ आयुषी तोमर एंड आई एम अ स्टूडेंट। अभी कुछ टाइम से मैं दिल्ली में रह रही थी, तो कुछ मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड जस्ट वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। अभी मैं घर पर आ गई हूँ और फर्दर एजुकेशन मैं अपने घर पर ही कर रही हूँ। क्या कि मुझे ब्लॉगिंग कर लेना चाहिए कि तो थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉगिंग भी हो जाएगा और मतलब थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। अब मेरा कुछ ऐसा है, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अरे क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें मेरी चलती थी जो अब चलना बंद हो गई हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉगिंग। सो जो है मेरा ब्लॉगिंग में भी हो जाता है, तो जस्ट स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है। तो क्या स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, देखिए क्या होता है ना, हम सक्सेस लाइफ देखते हैं सबकी कि हाँ वो बन गया सक्सेस, आफ्टर सक्सेस क्या क्या है कि उसके बाद इतना पैसा आ गया, जो भी है सक्सेस के बाद की लाइफ हम लोग देखते हैं। पर जो मेरी लाइफ है मतलब स्ट्रगल के बीच में है, कि ऐसा नहीं कहूँगी स्ट्रगल मुझे खाने पीने के लिए स्ट्रगल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मी वगैरह सब मेरे लिए सब कुछ सही कर रही हैं, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ स्ट्रगल की स्टूडेंट का क्या स्ट्रगल हो रहा है। ब्रदर बाहर चला गया है अभी, मेरे मतलब काम पड़ा हुआ है, मुझे अभी कपड़े मेरी मशीन में धुल गए हैं, वो मुझे छत पर फैला कर आने हैं और फिर मुझे खाना बनाना है। और गाइस मैं अब इनके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। ये हमारे चार कैट हैं जो छत पर रह रहे हैं। सो गाइज ये ना चार कैट हैं जो छत पर रहते हैं, एक्चुअली ना ये नीचे आ गया है। ऐसा हुआ ना, जो हम पहले कैट करते थे ना तो वो कोई ना कोई ले जाता था, जैसे हमारे घर पे कैट आ जाती थी तो मतलब वो कोई ना कोई ले जाता था। पर इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इनको कोई लेने ही नहीं आया, मतलब अपने पालने वगैरह के लिए लेने का मतलब कोई भी इन्हें लेने ही नहीं आया, तो ये हमारे साथ ही रह रहे हैं। तो मैं ताकि ये सर्वाइव कर सके, और क्योंकि चार कैट हैं, चार तो नहीं रख सकते, सो अब कुछ टाइम बाद जब ये अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे अराउंड 2 मंथ के बाद, तो हम इनको कहीं, ये वाइल्ड कैट है तो सर्वाइव कर जाएंगे, तो इसलिए हम कुछ टाइम बाद बड़ा करके ताकि अच्छे से बड़े हो जाए और अपना प्रोटेक्शन खुद कर सके, तो इनको हम मतलब छोड़ देंगे। तो तब तक के लिए मैं इनको इस तरीके से रखती हूँ, छत पर तिरपाल लगा रखा है ताकि सर्वाइवल करना सीख जाएँ, और खाना भी टाइम टू टाइम देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ, ताकि ये खाना का भी अपना इंतज़ाम खुद करना सीख जाए, ताकि ये मतलब लर्निंग के पर्पस से इनको। पर क्या होता है ना यार, रोज़ करो एक ना नीचे आ जाता है। अब पता है इतना क्यूट लगता है ये, अब पता है इसको छोड़ के आने का मन करेगा, ये आप खुद देखिए, ठीक है, ये देखिए ठीक है, इसे सो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको नहीं छोड़ के आ सकती, तो अभी यहीं पर यहाँ तक सोता रहेगा और तब तक मैं अपने कपड़े फैला आती हूँ, ऊपर जाकर धुल गए हैं, अब कपड़े फैला कर आने हैं। ओके चलते हैं फिर। सो ये क्लॉथ्स वॉश हो चुके हैं, अब इन सूख चुके हैं और अब इन्हें छत पर फैला कर आना ताकि अच्छे से सूख जाए। तो हमारा अभी का फर्स्ट काम ये है इनको निपटाना। ओके धूप में पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, पर आप एक बार ना क्लाउड्स देखिए, ठीक है, वाओ सो 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 ब्यूटीफुल ना, क्लाउड्स को देखिए ना, ओह गॉड यार, मतलब छत पे धूप भले ही है पर इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना। गाइज ये ना मेरी साइकिल है जिसे कबाड़े में मेरी मम्मी ने रख दिया है, अब मुझे इस साइकिल को पूरा रिपेयर करना है। देन कल इंफॉर्मेशन ब्लॉग था अबाउट माई सेल्फ, सो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया अबाउट मेरे बारे में, एंड ये देखिए कैसे सो रहा है, कितना क्यूट है। काम होता है, मैं जो ब्लॉगिंग है वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। जस्ट आज तो मैंने अपना अबाउट माई सेल्फ अपने इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया,
आई होप आपको मेरा ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब सब कुछ कर दे, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग विद द नेक्स्ट एनर्जी विद द नेक्स्ट वाइब, एंड प्लीज सपोर्ट मी, ओके, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, बाय, टेक केयर.